नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दिल्ली दौरे पर रहे। आपको बता दें कि दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, तो वहीं इस मौके पर सीएम ने विभिन्न विभागीय गतिविधियों के बारे में गहन चर्चा की। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कहा कि निमंत्रण देने वाली संस्था ने सिर्फ 3 लोगों को निमंत्रण दिया है और AICC के बयान से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस मुद्दे का अगर राजनीतिकरण किया जा रहा है तो हम उसके पक्ष में नहीं है। हर व्यक्ति की आस्था होती है तो कोई भी कहीं भी कभी भी कहीं जा सकता है। इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने वाले लोगों को हम गलत मानते हैं। कि आपने जो कल स्टेटमेंट आया था, जो निमंत्रण करने वाली संस्था है उन्होंने 3 लोगों को आमंत्रित किया था और ये बात हमारे AICC के स्टेटमेंट से स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर इस इशू को पॉलिटिसाइज अगर किया जा रहा है तो उसके पक्ष में हम लोग नहीं हैं। लेकिन हर व्यक्ति की आजादी है, उसकी आस्था किस भगवान में है, किस देवता में है, किस मंदिर में है, किस गुरुद्वारा में है, उसका व्यक्तिगत निर्णय है। कोई भी कहीं कभी जा सकता है, लेकिन हमें मानते हैं कि इस प्रकार के इशू को पॉलिटिसाइज करके उसका राजनीतिक लाभ लेना उसको हम सब गलत मानते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कौन किसका भक्त है उसका सर्टिफिकेट कोई पॉलिटिकल पार्टी दे सकती है, और खासकर BJP या कोई और दल समझे कि पूरे धर्म का या किसी को अच्छा या बुरा हिंदू देने का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो बात बिल्कुल गलत है। हम सब, हमारी अपनी अलग आस्था है, हम किसको पूछते हैं, किस मंदिर में जाते हैं नहीं जाते हैं, ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है और सबको छूट है, सब जाएंगे जहां जाना होता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना किसी के न्योते की जरूरत है। तो वहीं भिलाई के कुम्हारी थाना अंतर्गत PWD डिपार्टमेंट का सड़क निर्माण में इन्वेस्टमेंट करने पर 65% राशि देकर एक व्यक्ति से 2,96,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की है, तो वहीं पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि 22 जनवरी को भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं पूरा विश्व इस मंदिर के निर्माण को देख रहा है। भारत का बच्चा बच्चा इस मंदिर को देखने के लिए आतुर है, परंतु कांग्रेस के नेताओं के द्वारा 22 जनवरी को न जाकर एक ऐसा वातावरण देश में पैदा कर दिया गया है जिससे हर सनातन धर्म का व्यक्ति बेहद परेशान है। आलाकमान के निर्णय से बहुत कांग्रेसी भी इस निर्णय से परेशान है, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है और निर्माण हो जाएगा तब हम दर्शन करने जाएंगे। इस तारीख को अयोध्या में जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का भव्य आयोजन हो रहा है उसमें अपने आप को जाने से इनकार किया है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? व्यक्तिगत नहीं होता, दरअसल में बात यह है कि रामलला का मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, बहुत खुशी की बात है, बहुत ही आनंद का विषय है और हम इसका स्वागत करते हैं। बात दरअसल ये है कि सभी शंकराचार्यों ने कहा है कि मंदिर पूर्ण होने के पहले उसके प्राण प्रतिष्ठा करना जो है शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी और RSS राम मंदिर का उद्घाटन की जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या इसके पीछे राजनीतिक प्रयास तो नहीं है? ये बात निश्चित है कि हिंदुस्तान में 86% हिंदू रहते हैं, कांग्रेस के तमाम लोग भी राम को मानने वाले हैं, राम के अनुगामी हैं और राम मंदिर बनना हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मगर जिस ढंग से शंकराचार्य लोगों के विचारों के विपरीत सनातन धर्म में शंकराचार्य की पदस्थापना जो है इस दृष्टि से हुई है कि वो हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं, उसकी अवहेलना करके जिस ढंग से आनंद फानन में जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का जो प्रयास किया जा रहा है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश। खबर कोरबा से है जहां वैध नशे के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है जिसके तहत
पुलिस महानिदेशक ने राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध नशा पर अभियान चलाकर अवैध शराब और अवैध नशीली चीजों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के दवाई के दुकान के संचालक और फार्मासिस्ट के साथ मीटिंग की। पुलिस अधीक्षक महोदय ने संचालकों से अपील की कि ऐसी दवाइयां जो नशा के लिए यूज में लाई जाती हैं उन दवाइयों को बगैर डॉक्टर की पर्ची के लोगों को न बेचें। साथ ही ऐसे लोगों को जो इन दवाओं को ज्यादा खरीदते हों उनके बारे में पुलिस को सूचना दिया जाए। जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं उनके संचालक और साथ जो मेडिकल स्टोर की जो एसोसिएशन है उनके संगठन के सभी पदाधिकारियों का एक सामूहिक रूप से एक मीटिंग आयोजित की गई थी और मुख्य रूप से इनको तीन चार चीज़ों के बारे में अवगत कराया गया था कि किसी भी ऐसी जो दवाएं हैं जो खुले बिना डॉक्टर के बिना प्रिस्क्राइब के नहीं देना है तो उस पर कड़ाई से उनके लोगों का पालन करें और साथ ही इनको सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे अगर कोई दवाई या कोई जो प्रतिबंधित जो दवाई है जिसको डॉक्टर के पर... तो वहीं छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर अपना परचम लहराया है। स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत और सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को तीसरा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा 1,00,000 से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को देश का दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को यह पुरस्कार दिया गया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी मौजूद रहे। अवध की धरती अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसके दर्शन को लेकर हर कहीं उत्साह बना हुआ है। कोरबा में पिछले महीने नव युवक पदयात्रा करते हुए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए थे और अब 5 युवकों ने साइकिल से अयोध्या धाम की यात्रा शुरू कर दी है। राम जानकी मंदिर घंटाघर रोड से उन्हें विदाई दी गई। नीतीश साहू ने बताया कि कई विषयों पर रास्ते में लोगों से विचार विमर्श करने के साथ वह अपने गंतव्य स्थान को बढ़ेंगे। नीतीश भाई बताएंगे आप लोग कितने लोग हैं और कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ से जा रहे हैं? हम 5 लोग हैं टोटल। मैं नीतीश साहू, मनीष साहू, सुग्रीव यादव, शाश्वत महाराज और जोसेफ करके 5 जने जा रहे हैं। साइकिल यात्रा से कोरबा से अयोध्या जा रहे हैं। कितने किलोमीटर दूर है और ये सोच कैसे है आप लोग कि क्या उद्देश्य क्या है? 700 किलोमीटर है अयोध्या धाम और हमारे में इसलिए सोच ऐसा है कि हर कोई पैदल जाता है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं, इसलिए हमने साइकिल से जाने का प्रण लिए हैं। रास्ते में किस तरह संदेश देंगे लोगों को? रास्ते में जय श्री राम का नारा और भी जैसे अयोध्या धाम पे कुछ विषय पे चर्चा चलेंगे और कैंपिंग फायरिंग के विषय पे और हिंदू के विषय पे बातें करते करते हम आगे बढ़ेंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जांजगीर जिले के पुटपुरा गांव में 11वीं बटालियन के बीएसएफ जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। साथ ही जवान के साथ रहने वाली महिला भी बिस्तर पर मृत पाई गई। आपको बता दें कि बीती शाम बीएसएफ जवान के पड़ोसियों ने बताया कि रामसागर के आवास से बदबू आ रही है। सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस पुटपुरा पहुंची लेकिन शाम होने के जाने के कारण दरवाजा नहीं तोड़ा गया। सुबह एसपी विजय अग्रवाल की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया तो देखा गया कि जवान ने फांसी लगा ली है और साथ ही 3-4 महीनों से साथ रहने वाली महिला भी बिस्तर पर मृत पड़ी हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वही मरोदा स्टेशन के पास बरगद के पेड़ को काटने से पानी निकला है। दरअसल रेलवे ट्रैक के पास मौजूद बरगद पेड़ को रेलवे ने कटवा दिया जिसके बाद पेड़ से पानी निकलना शुरू हो गया। पास में भगवान शिव का मंदिर भी मौजूद है। इस पेड़ से लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। 25 साल पुराने इस पेड़ को काटने के बाद निकल रहे पानी को स्थानीय लोग इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद बोलकर लोग ग्लास, लोटा, बोतल, बाल्टी में पानी इकट्ठा कर ले जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि वो प्रसाद है, इससे हमारे घर की समस्या, दुख, तकलीफ या कोई भी बीमारी हो सब दूर हो जाएगा। अगली खबर कोरबा से है जहां कोयला सेक्टर में काम करने वाले भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ ने कोरबा जिले के क्षेत्रीय मुख्यालय में गेट मीटिंग करने के साथ प्रदर्शन किया। प्रोविडेंट फंड समेत 12 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन सभी कंपनियों में एक साथ किया गया।
मजदूर संगठन के एक पदाधिकारी ने अपनी बात रखते हुए बताया कि अपनी ही वेतन से काटी गई राशि को प्राप्त करने के लिए कई कर्मचारी को दलालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को ऑनलाइन किया जाए। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कोयला खदान मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। हंसदेव आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद अब जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर आज सूरजपुर के उग्रसेन चौक में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का पुतला दहकर अपना विरोध जताया। इसी बता दें कि हंसदेव जंगल उत्तर छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें सूरजपुर और सरगुजा के साथ कोरबा जिला भी आता है। यहां भारत सरकार ने कोयला उत्खनन के लिए खदान का प्रस्ताव रखा था, लेकिन यहां रहने वाले आदिवासी जंगल की कटाई का कई सालों का विरोध कर रहे हैं। सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो आदिवासियों के हित में अब काम होगा। लेकिन अब हम लोगों को जाकर के ये बात समझ में आ रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री मुखौटा के रूप में बनाया गया है, क्योंकि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को लूटा जा सके और आदिवासी कोई आवाज़ ना उठा सके, इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री इन्हें बनाया और छत्तीसगढ़ को नंगा करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की जो आवरण है, हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, उसको हंसदेव में जिस निर्ममता पूर्वक से तरीके से काटा जा रहा है, देख करके ऐसा लगता है कि यहाँ पर अदानी का साम्राज्य कायम हो गया है। और विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ सरकार के बदलते ही जिले में लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने पर काम शुरू हो चुका है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने जिले की सभी बॉर्डर को सील करते हुए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि गिधौरी सारगढ़ मार्ग पर 10 लाख रुपए का लगभग 100 किलो अवैध नशा कार से जब्त किया गया। कार में सवार 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। तो वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को छत्तीसगढ़ समेत देशभर में एक बड़ा इवेंट के रूप में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी समारोह का बीजेपी सियासी जीत के रूप में इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं, तो मोदी जी के नाकामियों को भगवान श्री राम के पीछे छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी बड़े उत्सव के रूप में मनाने जा रही है। इसके पहले ही अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। घर घर दिया जलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, साथ ही हर गली मोहल्ले के साथ प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। इसके साथ ही राजधानी रायपुर के अलग अलग वार्डो में बड़ी स्क्रीन लगाकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण करने की तैयारी जारी है। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अलग अलग संस्थाओं की मदद से अयोध्या में समारोह के लिए 300 मीट्रिक टन चावल और सब्जियां भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही 4000 किलो दाल के साथ अन्य पूजन सामग्री अयोध्या रवाना की गई है। बीजेपी की ओर से आयोजित सभी कार्यक्रमों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र लगातार लोगों के बीच किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत के रूप में कई सालों के बाद प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसके हम साक्षी बने। इससे प्रदेश भर के गांवों और नगरों के गली मोहल्ले में जितने मंदिर हैं, उसमें घंटे घड़ियाल बजाएंगे। 3 दिन तक 17, 18 और 19 जनवरी को हर वार्ड में प्रभात रैली निकाली जाएगी और 22 जनवरी को सभी वार्डो में बड़ी स्क्रीन लगाकर जनता के साथ राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह हम देखेंगे। 21 और 22 तारीख को घर घर में दिया जले ये कोशिश भी रहेगी। हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। मैं तो यहाँ पर जहां पर भी देखता हूँ, चौक में, चौराहे में, सब्जी वाले से, पान ठेले वाले से जहां भी मिलता हूँ, सब लोगों के मन में उत्साह है। और 22 तारीख को अभूतपूर्व दिवाली के दिन के रूप में मनाने का निर्णय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने किया। वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है।
कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे हैं। मोदी जी की नाकामियों को श्रीराम के पीछे छिपाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, देश की बदहाली, इन तमाम बातों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी राम मंदिर का सहारा ले रही है। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दंभ भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट के निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होड़ लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार के गलत बयानबाजी करती है। बहरहाल आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर मंदिर की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में इस समारोह का कितना असर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।